हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे कटोरी वाला ब्लाउज़। ब्लाउज़ की नाप लेकर हम बनाएंगे इस तरह से। इसको हमने ओपन कर लिया है। अब इसकी हम नापेंगे लंबाई। तो इसकी लंबाई है हमारी 12 इंच और इसका शोल्डर नापेंगे तो ये है हमारा शोल्डर है इसका 10 इंच। और इस तरह से हम इसका आर्म होल नापेंगे तो आर्म होल है इसका 5.5 इंच। इस तरह से भी आप नाप सकते हैं, लेकिन इस तरह सीधा नापेंगे तो आपको अच्छे से आसानी होगी। आप हमेशा आर्म होल सीधा ही नापिए। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसमें बंद साइड की तरफ से निशान लगाएंगे 5.5 इंच का। 0.5 इंच हम सिलाई के लिए नापेंगे, इसलिए हम 5.5 इंच का निशान लगाएंगे। फिर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 5.5 ही इंच का, इस तरह से। दोस्तों इसको हम खुले साइड की तरफ मिला देंगे। इसमें आर्म होल में हम गोलाई भी दे देंगे। इस तरह से हमारा आर्म होल बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लगाएंगे गले का निशान। तो हम गले का निशान दोस्तों लगाएंगे 2.5 इंच पर। इस तरह से हम 2.5 इंच पर निशान मारेंगे इस तरह से। और फिर हमारे गले की लंबाई जो है 6 इंच, तो हम 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे। फिर हम इस निशान को फिर से नापेंगे 2.5 इंच पर इस तरह से। अब इसको हम मिला देंगे इस निशान को इस बाहर इस तरफ और उस निशान को सीधा, इस तरह से हम इसको मिला देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे बेल्ट। तो दोस्तों इसकी हम लंबाई है 13 इंच हमारी, जैसे कि। तो हम यहाँ से नीचे की साइड से ऊपर की साइड 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। नीचे की साइड से हमारी फिक्स नाप से ऊपर की साइड 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस साइड भी हम 3 इंच पर भी निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम मिला देंगे इस तरह से। ये हमारा बेल्ट बनकर तैयार हो चुका है। गले में भी हम शेप दे देंगे इस तरह से। हमारा ये राउंड शेप बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी फिक्स चेस्ट की नाप लेंगे। तो ये हमारा है 8.5 इंच। तो इस तरह से हम इसको नापेंगे 8.5 इंच पर। 8.5 इंच पर हम निशान लगाकर इसे एक फिक्स नाप दे देंगे। अब इस तरह से दोस्तों हमारा 8.5 इंच की नाप है। तो उस तरफ से जो हमारी फिक्स नाप है उस तरफ से हम 2 इंच लेंगे और सामने के सीधे साइड में जो हमारा बंद हिस्सा है उस तरफ की तरफ हम राउंड देते हुए कटोरी बनाएंगे। इस तरह से हमने 2 इंच पर फिक्स नाप से 2 इंच पहले जो हमने ये निशान लगाया है फिक्स नाप से 2 इंच हमने पहले लगाया है इस तरह से। अब यहाँ से हम गला नापेंगे। गला है हमारा 2.5 इंच पर इस तरह से। यहाँ पर भी हम ये राउंड शेप निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारी जो फिक्स नाप है यहाँ पर हमारी 6.5 इंच है। ये यहाँ राउंड देते हुए हम इस तरह से कटोरी बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर हमें राउंड देना है, राउंड शेप इस तरह से हमें देना है और इसको हमें गले की तरफ झुका देना है इस तरह से। इसको हम बना देंगे और इसे हम डार्क कर लेंगे। ये हमारी कटोरी बनकर तैयार हो गई। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब आप इसको अच्छे से बिछाकर अभी से कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 0.5-0.5 इंच ऊपर की तरफ इसे राउंड शेप देंगे हमारी जो बेल्ट बनी है ब्लाउज की, और इस तरफ भी हमें 0.5 इंच राउंड शेप देना है इस तरह से। जो इस तरह से हमारी कटोरी बिल्कुल आसानी से अच्छे से बैठती है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। सो दोस्तों हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें सबसे पहले आर्म होल निकालेंगे। इस तरह से हमारे आर्म होल निकालेंगे। ये हमारे आर्म होल निकल गए हैं। अब हम इसमें गला निकालेंगे। इस तरह से गले को भी काट देंगे। ये हमारा गला कट चुका है दोस्तों। अब हम इसे
कटोरी निकालेंगे। इस तरह से हम कटोरी की कटिंग कर देंगे। ये हो गई हमारी कटोरी की कटिंग। ये हमारी कटोरी पूरा ब्लाउज कंप्लीट कटकर तैयार हो चुका है दोस्तों। अब हमें ये क्या करना है इसमें कि हमें इन पल्लों को सीधा करके एक बार चेक कर लेना है। देखें हमारा ब्लाउज किस तरह से कटा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारी कटिंग कुछ इस तरह से हुई है। ओपन पल्ले में हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। इस तरह से ये हमारी कटिंग हुई है। अब हमको इसको उठाना है और अलग कर लेना है। इन पल्लों को हमें कुछ नहीं करना, ये पल्ले सेम यही रहेंगे, पर हमें कटोरी में चेंजेस करना है। ये जो कटोरी है इसको हम हटा लेंगे और इन पल्लों को हम साइड में रख देंगे। इस तरह से हमने इनको हटा दिया। अब हम कटोरी को दूसरा पेपर लेंगे। आप कपड़े में कटिंग कर रहे हैं तो आप उसी कलर का दूसरा कपड़ा लीजिए और इस कटोरी को उसमें बंद साइड की तरफ से इस तरह से रखना है। ये हमारा बंद साइड है और यहाँ हमें बिल्कुल बराबर में इस तरह से रखना है। ये हमने इसमें रख दिया है। अब इसे हम नीचे से भी बराबर कर देंगे। इस तरह से हम नीचे से निशान लगा देंगे और इसको बराबर हम कर देंगे। सो दोस्तों हमारा ये पूरा इस तरह से हम निशान लगाया और ये हमने इसको दोस्तों कपड़े को हमें बिल्कुल फिक्स रखना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये साइड में हमें कुछ नहीं करना है। ये हो गया हमारा गला। इस साइड भी हमें कुछ नहीं करना। अब बस हमें इस साइड ही एक एक इंच बढ़ाना है इसको। तो इस तरह से हम नापेंगे, नीचे से नापेंगे हम एक इंच। यहाँ से हमने नापा और यहाँ निशान लगा दिया। इस तरह से इस निशान को हम बराबर लाइन खींच देंगे। ये हो गया हमारा एक इंच एक्स्ट्रा। तो दोस्तों गले की साइड में हमें एक इंच एक्स्ट्रा नहीं रखना है। यहाँ हमने हल्का सा निशान लगा दिया है इस तरह से। अब यहाँ से हमें एक एक पॉइंट इसको घटाते हुए आगे की साइड में ले जाना है। अभी इसमें हमने एक पॉइंट फिर घटाया। इस तरह से हमने एक पॉइंट घटा दिया। ये पॉइंट हम एक एक पॉइंट आगे की ओर घटाते हुए ले जाएंगे। अब हम फिर एक पॉइंट घटाएंगे आगे की ओर। इस तरह से हम निशान लगाते जाएंगे और एक पॉइंट फिर घटाएंगे हम आगे की ओर। इस तरह से अब इसको हम आधा कर देंगे। जो हमारा बीच साइड आएगा जब हम इसको आधा कर देंगे फिर उसके बाद और कम करेंगे। इसी तरह हमें गले तक इसको मिलाते हुए ले जाना है। इस तरह से हमने आगे भी निशान लगाया हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है कटोरी ब्लाउज बनाना और इसको सिलना उससे भी ज़्यादा आसान है। इस तरह से हमारी कटोरी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम डार्क निशान लगा देंगे जिससे हमें कटिंग करने में आसानी रहे। इस तरह से हमें इन निशानों को मिलाते हुए नीचे तक ले आना है, बराबर ही मिलाना है दोस्तों। ये हमने मिला दिया है। अब हमें गले का शेप भी इसमें बना देना है। इस तरह से हमने गले का शेप भी बना दिया है। इस तरह से अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो दोस्तों इसकी हम कटिंग आसान तरीके से कर देंगे। दोस्तों कटोरी ब्लाउज सिलना बहुत ही इजी है। अगर आपको कपड़े में कटिंग सीखनी है, सिलाई सीखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि हमें हमारी कटिंग आपको कैसी लगी। आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक बार शेयर करना हमें और भी प्रेरित करता है कि हम और ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। तो दोस्तों हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये है हमारी
बाद वाली कटोरी जो हमने अभी बनाई है और ये हम हटा देंगे और उसी की जगह इसको हम सेट कर देंगे। इस तरह से ये हमारी कंप्लीट कटोरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे, जो ये एक्स्ट्रा दिख रहा है, जब यहाँ प्लेट पड़ जाएगी तो ये एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा। इस तरह से हम 3 इंच पर ना हम माप करेंगे, इस तरह से यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हम सीधी 2.5 इंच की प्लेट डाल देंगे। इस तरह से 2.5 इंच की प्लेट डालेंगे ये, और यहाँ हम आधा आधा इंच इस तरह से 1 इंच लेना है, इसको बीच से मोड़ देना है और इसका आधा इंच बीच में रखना है। इस तरह से हम निशान लगाएंगे और इन निशानों को ऊपर की साइड इस तरह से हम मिला देंगे। तो दोस्तों कितना इजी है हमें कटोरी ब्लाउज़ बनाना। और ये प्लेट हम इसी तरह से प्लेट इसमें पड़ती है, आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ बनकर ये तैयार होती है। तो दोस्तों हमारी कटिंग ये कंप्लीट हो चुकी है। आपको हमारी कटिंग, हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और आप अगर हमें कपड़े में कटिंग चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।